नमस्कार दोस्तों, फार्म फोकस यूट्यूब चैनल पर मैं गौरंग और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है केज फार्म, और ये केज फार्म मुझे लगता है कि मेरा देखा हुआ सबसे अलग है ये फार्म है। और इस फार्म में दोस्तों अभी बर्ड्स है, बर्ड्स का एज हो चुका है 35 डेज, और 35 दिन में इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर खास यही है कि तालाब के ऊपर ये मचान फार्म किया गया है। तो इस चीज़ के ऊपर आज विस्तार से बात करेंगे, जिस जो इस फार्म का ओनर है उनसे बात करके जानेंगे कि ये फार्म लगाने का क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में, और क्या क्या इसका डिसएडवांटेजेस वो भी बात करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल बना रही है लास्ट तक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अभी। तो भैया आइए हमारे साथ। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो लगा लीजिए। तो जो भाई देख रहे हैं ये, तो उनको थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सागर मित्रो है। अच्छा। घर इधार उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। एक वेस्ट बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल में ही है। अच्छा। एक अलग सी खोज था ये। अच्छा। ये बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। यही ये थोड़ा अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ काम, और भी कुछ बाकी है इसमें, और भी काम बाकी है। तो हम लोग आज तक जितना मचान फार्म देखे हैं, ठीक है, सभी तो नॉर्मल मतलब जमीन के ऊपर करते हैं। हाँ। लेकिन आपने ये मतलब ऐसा सोच आपका दिमाग में कैसा आया? हमारा जो डेवलप इंडिया का जो डेवलप एरिया है वो साउथ की तरफ ही है, तो साउथ फार्मिंग के ऊपर। फार्मिंग के ऊपर तो साउथ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है, तालाब के ऊपर ही ज्यादातर वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं। उससे उनका जो फिश का फीड है उसका भी कॉस्टिंग बच जाता है। अच्छा अच्छा, मछली के लिए? हाँ, मछली का जो फीड का, हाँ वो भी बच जाता है। तो मेरा ये पास में ही जो तालाब है, हाँ, इसमें मछली भी है। अच्छा अच्छा। और आज 35 डे 35 दिन तक इसमें कोई भी नीचे वो जो बीट का जो खर्चा है वो उठाने के सराहने के लिए अच्छा, कोई भी लगता नहीं है। और मचान फार्म का जो हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इसमें से बदबू आते हैं, बहुत ज्यादा स्मेल होते हैं, और ये लीटर मैनेजमेंट करना, उसको कलेक्ट करना, यही सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि हम लोग पास ही में खड़ा हुए हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ से स्मेल मतलब खास स्मेल नहीं आ रहा है। और अभी हम लोग जहाँ पर तक देख पा रहे हैं कि पानी कम है, थोड़ा पानी थोड़ा कम है, पानी ज्यादा होगा तो स्मेल ही नहीं आएगा, स्मेल ही नहीं आएगा। मैनेजमेंट में सिर्फ पानी और अच्छा, खाना ही देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि हम लोग देखे हैं बहुत, हाँ, कोई फार्मर ऐसा भी करते हैं कि जो नॉर्मल में करते हैं मचान फार्म, तो उसमें क्या करते हैं कि बीट को कलेक्ट करके और तालाब में देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम लग जाते हैं। और वहाँ पर क्या होते हैं कि एक फार्मर ने हम लोग देखा था कि वहाँ पर देखे जो है तालाब का पानी खराब हो जाते हैं, मछली मर जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, बोला ना अभी आपको पहले, जो थोड़ा काम बाकी है। अच्छा। तो इसका एक मैनेजमेंट है। अच्छा। मेरा भी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया फार्म। अच्छा। इसमें पॉन्ड जितना मतलब पोखर जितना बड़ा रहेगा उतना सुविधा है, मछली ज्यादा रहेगा तो ही अच्छा। और जो आपका ये तालाब कितना बीघा का है? 1 एकड़ का है ये। 1 एकड़? हाँ। 1 एकड़ 3 बीघा? हाँ, 3 बीघा। 1 एकड़ तो 1 एकड़ में कितना बर्ड्स का इस तरीके का केज फार्म होना चाहिए? 1 एकड़ में मैं तो 2000 के आइटम से ही बनाया। अच्छा, तो अब देख रहा हूँ, 2000 भी ज्यादा हो जा रहा है। तो कितना सही होगा? 1500 ही ठीक है। 1500 ठीक है। 1500 एक एकड़ तालाब के लिए आपका 1500 ठीक है, उसमें आपका मैनेजमेंट का कोई कॉस्ट ही नहीं आएगा। फीस फीट का भी कॉस्ट कम हो जाएगा, और अच्छा, आपका मैनेजमेंट जो है ब्रीड का जो मैनेजमेंट करना पड़ता है उसमें भी कुतना हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा। और 35 दिन तक इसका ब्रीड में कोई भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मैनेजमेंट ये है फीड और पानी। हाँ हाँ, देखिए बर्ड्स का जो है एडवांटेज वो थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले जानते हैं कि तालाब के लिए। हाँ। तालाब में हम लोग कौन कौन सा मछली पाल सकते हैं? वेराइटीज मछली पाल सकते हैं। मृगल ज्यादा रखना पड़ेगा उसमें। अच्छा। और बाटा जो कहते हैं, बाटा को भी ज्यादा रखना पड़ेगा, जो खाता ज्यादा है। अच्छा अच्छा, जिसमें खाता ज्यादा है। और पानी बराबर रहेगा तो अच्छा होगा, मेरा पानी थोड़ा कम है। अच्छा, पानी जितना अच्छा होगा उतना मछलियों के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा। और मछलियों के लिए और एक ट्रीटमेंट भी है, उनका मेडिसिन भी चलाना पड़ेगा, जो कीड़े मकोड़ा हो जाता है। अच्छा, पानी को ठीक रखने के लिए कुछ? हाँ, जियोलाइट यूज कर सकते हैं आप, 2 महीने 3 महीने अंतर। अच्छा अच्छा।
जियोलाइट यूज करिए और चूना यूज करिए, उससे ही काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। हाँ, खाने में उतना ज्यादा कुछ नहीं लगेगा इसका। पॉन्ड के लिए, तालाब के लिए इसका क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज तो ये है, नाइट्रोजन ज्यादा इसमें से नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो गैस जो कहते हैं कुकर में गैस गैस जाता है, मछली भासता है। इसीलिए जियोलाइट का यूज करना जरूरी है और चूना का भी यूज करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, वो अगर आप मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और लोग कहते हैं जो ज्यादा डाल दिए इसके माछ मछली जो भास जाता है मर जाता है, मर जाते हैं। तो खाना देना उतना ही जरूरी है। आप अगर खरीद के खाना जो खिलाएंगे तो एक क्विंटल खिलाएंगे या दो क्विंटल खिलाएंगे तो उसके हिसाब से मुर्गी को भी आप वैसे ही पहले पालिए जितना उसका खाना माने ब्रीड गिरेगा, ब्रीड गिरेगा। अच्छा अच्छा, हिसाब 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 अपने आपको ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये मेरा 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 पुखर में कितना खाना जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए हमें पोल्ट्री के बारे में बताइए थोड़ा सा, अगर इस तरीके से करेंगे तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है? सबसे ज्यादा बेनिफिट गर्मी के मौसम में तो बहुत ही बेनिफिट है, गर्मी के मौसम, गर्मी में के मौसम में बहुत बेनिफिट है। इसमें आपका जो फैन का जो फैन लगाना पड़ता है उतना उतना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपका 2000 का सेट में 6 फैन लगता है, इसमें 3 से ही काम चल जाएगा। अच्छा, मतलब गर्मी उतना इसमें उतना इफेक्ट नहीं देगा, इफेक्ट नहीं देगा। अच्छा, ठीक से सिर्फ देख के रखना पड़ेगा, 20 दिन तक इसको देख के पालिए तो मुर्गी आपका सटीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, सही से बन जाएगा। अच्छा, गर्मी में तो इसका बेनिफिट है। अब ठंडा के बारे में बात करें, ठंडी में थोड़ी दिक्कत होगा, ठंडी में 20-22 दिन के बाद जब मुर्गी के ठंड लेने की क्षमता हो जाए। ठंड मतलब 20 दिन तक नॉर्मल में नॉर्मल रखेंगे तो अच्छा होगा, उसके बाद अगर आप माचा में देंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ये मेरा देखा हुआ ही काम है। ठीक ठीक, तो दोस्तों ऐसा हिसाब किताब है इस फार्म का। और आज तक अभी ये पहला लॉट चल रहा है आपका? इसका ये फास्ट लॉट है, इसमें इसमें ये फास्ट लॉट है, इसमें ये फास्ट लॉट, फास्ट लॉट। तो अभी तक 35 डेज में अभी तक कितना मोर्टेलिटी हो चुका है इसमें? मोर्टेलिटी तो इसमें हो चुका है, 6% से ऊपर ही मोर्टेलिटी हो चुका है। लगभग 3-4 दिन बहुत गर्मी था, उसका क्या कारण? गर्मी के कारण, गर्मी के कारण ही हुआ, गर्मी के कारण हुआ। माने पोल्ट्री का फीड में तो प्रोटीन ज्यादा होता है ना। अच्छा, तो लगभग जब 20 दिन के बाहर जब मुर्गी हो जाता है तो हाई प्रोटीन के लिए भी गर्मी से ही ज्यादातर मुर्गी मरता है। अच्छा, गर्मी से ऐसे ही कोई बीमारी नहीं आएगा? हाँ, काफी ज्यादा कुछ दिन पहले जो है काफी ज्यादा गर्मी था हमारे यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है इसके? उसके अलावा कोई प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है। मैनेजमेंट में सिर्फ आपका ये फीड और पानी का मैनेजमेंट अगर आप ठीक रखे 20 दिन के बाद तभी चल जाएगा, और 20 दिन से पहले तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जो नीचे फार्म में करना है। तो आपका ये 2000 कैपेसिटी का फार्म है? हाँ, लंबाई कितना बना है और चौड़ाई कितना है? लंबाई है 130 फीट है और चौड़ाई 18 फीट, 18 फीट चौड़ाई है। अच्छा, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा दूं कि किस तरीके से ये मचान बनाया गया है। मचान देख पा रहे हैं कि बांस से, पूरा बांस से ये मचान बनाया गया है। और जगह जगह मैं देख पा रहे हैं पिलर, वो सीमेंट का कंक्रीट का पिलर यहाँ पर दिया गया है। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा हेवी बनाया गया है ये मचान को, देख पा रहे हैं। तो अब बर्ड्स का जो है दोस्तों क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। 35 डेज में ये लगभग आपका आ चुका है 2 किलो बॉडी वेट। और इस तरीके से वो ऑटो ड्रिंकर से पानी दिया जा रहा है और फैन का भी व्यवस्था है, तो देख पा रहे हैं दोस्तों। और ये है तालाब, नीचे है पानी और मछली, यहाँ से बीट गिरता है और बीट वही बीट जो है मछली खा के बड़ा होते हैं। तो मछली का जो फीड का कॉस्ट वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं इसके कारण। तो दोस्तों इस सिस्टम से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर फार्मिंग किया जा रहा है, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगते तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी बारिश भी होने लगा तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।